तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30, एक्स अक्ष और वक्र वाई बराबर साइन एक्स के बीच एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर पाई तक के क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें। तो पहले साइन एक्स का ग्राफ हम लोग बना लेते हैं कि 0 से पाई तक में क्या होता है इसका ग्राफ। चलिए देख लेते हैं, एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, ठीक है। यहाँ पे आप ले लो 1 और इधर ले लो नीचे -1। चलिए देखिए जीरो जीरो से पाई के बीच में क्या होता है, जीरो से पाई या पाई बाई टू भी ले सकते हैं बीच में। ये आपका इस तरह से आता है ग्राफ, आप देखे हुए हो, आपको बता रखा है मैंने। तो यहाँ पे जीरो से पाई के बीच में ये पॉजिटिव में ही रह रहा है, पहले पाद में ही रह रहा है, नीचे तो नहीं जा रहा। इसमें हमें कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे इसका नाम दे देते हैं ओ, इसका निर्देशांक 0 0, और यहाँ पे ऊपर ए दे देते हैं, यहाँ पे बी दे देते हैं, ठीक है। तो इसका वी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, पाई कॉमन 0, समझ गए ना। तो क्या हो जाएगा, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 0 से पाई तक गया है और साइन एक्स है, साइन का माइनस कॉस इंटीग्रेशन होता है और 0 से पाई तक, तो हो जाएगा माइनस कॉस पाई एंड माइनस माइनस कॉस 0। तो देखिए कॉस पाई यानी कि कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है, तो -1 माइनस, और ये कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, माइनस है तो माइनस रहेगा ही, यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये भी प्लस का 1, ये भी प्लस का 1, 2 आ गया, दो वर्ग इकाई यहाँ से क्षेत्रफल निकल के आ गया। चलते अब अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए अगला